नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अब से कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण का आरंभ होने जा रहा है और सूर्य ग्रहण जो अब शुरू होने वाला है इसका अलग अलग राशियों पर अगले एक सवा महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज के कार्यक्रम में ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र दोपहर 3:32 तक, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, सूर्य, चंद्र और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। अब ये जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका पूरा मामला क्या है। इस बार सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है, अब से कुछ देर के बाद। इसका आरंभ भारतीय समय से अभी यानी रात के 9:12 पर होगा और इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय होगा 2 और 3 की रात में, यानी अभी जब मिडनाइट के बाद 3 शुरू होगी तो रात में 12:15 पर इसका मध्य समय होगा। इस ग्रहण का समापन 3 अक्टूबर की रात में 3:17 पर होगा। ये ग्रहण जो लगने जा रहा है ये कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लगने जा रहा है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा इसीलिए किसी तरह के सूतक के नियम का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह का परहेज, किसी तरह की सावधानी, उसका पालन नहीं किया जाएगा। और जो गर्भवती महिलाएं हैं
जिस तरह से सामान्य जीवन अपना जी रही हैं उसी तरह से चलें, गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा वो जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, वाहन और संपत्ति का लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। देवी को अगर आप फूल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार की मुश्किलें हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि इस सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा अलग अलग राशियों पर। सामान्यतः ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो किसी भी राशि पर 15 दिन से लेकर के एक महीने तक रहता है। तो अलग अलग राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, बात सबसे पहले मेष राशि की करते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण आपके लिए लाभकारी है और सूर्य ग्रहण की वजह से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में आपको इस समय विशेष सफलताओं की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की जो बात है, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति आपकी बिगड़ सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर संभव हो तो अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण अगर काम करने जा रहे हैं तो उसमें एक महीने कम से कम रुक जाइए, अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों को आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, तो मिथुन वालों को आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का थोड़ा ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ मिथुन वालों को यह भी ध्यान रखना है कि आप वाहन सावधानी से चलाएंगे, अन्यथा सूर्य ग्रहण के प्रभाव की वजह से चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं, तो चोट चपेट से थोड़ा बचाव करेंगे। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा, ग्रहण आपके लिए अच्छा है, ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं, तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी और इस समय करियर में नए मौके मिल जाएं, करियर में कोई नई सफलता मिल जाए, इसकी संभावना आपके लिए बन रही है।
सिंह राशि, इस समय कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। ग्रहण आपके महत्वपूर्ण काम को रोक सकता है और इस समय आपके करियर में थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा सतर्क रहेंगे। कन्या राशि, ग्रहण इसी राशि में लगने जा रहा है तो कन्या पर प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो कन्या वाले ये ध्यान रखें कि इस समय आपके करियर में दिक्कतें, समस्याएं आ सकती हैं और इस समय आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा अपने करियर का और घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का। बाकी छह राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव होगा वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। चलिए अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, परिवार के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन के खर्चे आपको परेशान करेंगे, महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर के तमाम सारे काम इस समय पूरे होंगे और वाहन का या संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो मेष राशि से लेकर के कन्या राशि वालों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमने जाना, अब छह राशियां बाकी हैं। तुला राशि से लेके मीन राशि के लोगों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा आइए आपको बताते हैं। बात तुला राशि की, देखिए ग्रहण की वजह से तुला राशि वालों की सेहत बिगड़ सकती है और स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं भी इस समय हो सकती हैं जिसका ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। वृश्चिक राशि, ग्रहण के प्रभाव आपके लिए अच्छे हैं, जो समस्याएं चली आ रही थीं, जो दिक्कतें चली आ रही थीं, वो तमाम समस्याएं आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। और सबसे बेहतर बात यह है कि ग्रहण के प्रभाव की वजह से आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। धनु राशि, आपके लिए भी ग्रहण अच्छा है क्योंकि आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में इस ग्रहण की वजह से सुधार होगा। इस समय नए काम का मौका मिल सकता है, करियर में नई शुरुआत हो सकती है, यानी करियर के लिए ये ग्रहण आपको लाभ पहुंचा सकता है। मकर राशि, ग्रहण के प्रभाव अच्छे नहीं हैं, करियर में समस्या आ सकती है, दिक्कत हो सकती है और इस समय अनवांटेड बिना चाहे हुए आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य का जरा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का मामला आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। इस समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको मुश्किल में डाल सकता है। मीन राशि, ग्रहण की वजह से आपको वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं, सतर्क रहें, दुर्घटनाओं से और बेवजह के वाद विवाद से सावधान रहें, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा असर डाल रहा है कन्या पर और मीन पर। तो कन्या राशि वालों को और मीन राशि वालों को विशेष सावधान रहने की जरूरत दिखाई दे रही है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, कोई उपहार सम्मान आपको मिल सकता है, करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। मां दुर्गा को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, इस समय धन की प्राप्ति होगी, कार्यक्षेत्र में ऑफिस में सम्मान मिलेगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशियों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। नवरात्रि में मां दुर्गा को रोज एक लाल फूल अर्पित करिएगा और एक एक करके सारे फूल इकट्ठा करते जाइए। दशमी के दिन सारे फूलों को जल प्रवाहित कर दीजिएगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप नवरात्रि में कर लेते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब जान लेते हैं 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 3 अक्टूबर बृहस्पतिवार को प्रातःकाल मां दुर्गा को, देवी मां को लाल फूल अर्पित करेंगे और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लेंगे। ऐसा करने से दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।